જયંત ભાઈ, તમારું ફરીવાર ખૂબ 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 અનુભૂતિ ફૂલવારીમાં સ્વાગત છે. આપણી સાથે આજે ઇંગ્લિશ બોલ જે સ્પીકિંગ છે, હિન્દી સ્પીકિંગ છે, એ લોકો બધા સાથે જોડાયેલા છે અને વિશેષ જયંતભાઈ માટે મારો જે હવે થોડો ઘણો અનુભવ છે 6 મહિનાનો, એટલા સહજ, એટલા પ્રેમાળ, એટલા જ નિર્માણ આત્મા છે. આપે બ્રહ્મા બાબા સાથે ખૂબ જ સુંદર સમય વિતાવ્યો છે અને જેમ બ્રહ્મા બાબા પોતે પણ એક પ્રવૃત્તિ માર્ગમાં રહીને, એક્ઝામ્પલ બનીને, કે આપણે ઘરમાં રહીને, પોતાના સંબંધોમાં રહીને પણ આ જ્ઞાનનું કેવી રીતે સારી રીતે, સમર્પિત રીતે, સેવાધારીની રીતે જીવન જીવી શકીએ એનું જીવંત એક્ઝામ્પલ હોય તો ચંપાબેન અને જયંતભાઈ, રાઈટ? જેમ બાબા પણ લક્ષ્મીનારાયણ કહે છે એવી રીતે ચંપાબેન અને જયંતભાઈ. પણ આજે આપણી સાથે જયંતભાઈ પોતાનો બ્રહ્મા બાબા સાથેનો અનુભવ સંભળાવશે. ઓમ શાંતિ. આજ કી સુબહ ઓર આપ કી શામ મેં બહોત ખુશ હું. ક્યું ખુશ હું? ये विश्व में सभी ख्यात नाम गुजराती भाई बहनों पछी हिंदी में भी बोली नाखी से गुजराती में शुरू करियो पछी हिंदी मिक्स थई जशे कदाच टेवर एवी छे एटले चालसे चालसे वांतो नहीं चालसे बदा चालसे के छे जोईने पण खुश बदा ऐसे ऐसे करते हैं वो भी अच्छा लगता है. और आज मैं बहुत खुश इसीलिए हूं कि विशेष रूप से गुजराती भाई बहन जो विश्व में व्यापक है, जो साहसिक है और सारे विश्व में गुजरात से निकलकर फैले हुए हैं और फिर साहसिकों में साहसिक है, इसलिए कि ऐसे कलयुग के अंदर उन्होंने भगवान को पहचान लिया है, बाप को पहचान लिया है और विश्व भर में सेवा के लिए उपस्थित है. तो ऐसे महासाहस खास बाबा के बच्चे हैं, ईश्वर के परिवार के बच्चे हैं और मेरे प्यारे भाई बहन हैं, जिसको सामने देखकर बहुत खुशी है. उसमें भी वीडियो ऑन करके सामने दिखाई देते हैं वो और ज्यादा खुशी दे रहा है हमको. और भी मुखड़ा दिखा देंगे यदि पॉसिबल होगा तो हमें और खुशी होगी, हमें और प्रेरणा मिलेगी. अच्छी तरह से हमारे प्यारे अलौकिक भाई बहन जो बहुत समय से 5000 वर्ष से दूर थे आज मिले हैं, और ऐसा मिलन कराने के लिए हाँ आप भी उस उत्साह से हमको भी हाँ उत्साह दे रहे हो. तो ऐसा कार्यक्रम रखने के लिए आप सबके साथ सबसे ज्यादा धन्यवाद या आभार में अपने प्यारे वैशाली बहन जो गर्भस्थ में रहते हुए भी इतनी बड़ी विशाल सेवा पे उपस्थित है और अच्छी तरह से कार्यक्रम करते रहते हैं. ये भी मेरा गौरव है क्योंकि हमारे गुजराती है, उनका तो परिवार भी हमको जानते हैं, हम उनको जानते हैं और अपने अनुभूति धाम के मुख्य चंद्रुबेन ने, चंद्रुबेन कहाँ है, हाँ चंद्रुबेन भी को मैं जानता हूँ, हमारे भारत में थे तब और अभी भी मिलते हैं
उनकी तबीयत शायद ठीक नहीं, ऐसा सुना था। उनको भी मेरा बहुत बहुत याद प्यार देना जी। तो प्यारे जैन भाई, हेमा बेन, हेमा बेन, अच्छा हेमा बेन को भी, हाँ ये तो अनुभूति धाम में कौन रहते हैं मुख्य? हेमा बेन रहते हैं। हेमा बेन, हाँ अच्छा हेमा बेन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जो ऐसा गुजरात का गुजरातियों के साथ मिलन करा रहे हैं। तो आज विशेष बहुत खुशी से मुझे आज अनुभव सुनाने का मौका मिला है। तो हमारा जीवन भी बहुत अच्छी तरह आगे संगम युग में बढ़ रहा है। इसकी शुरुआत ही बाबा ने कैसे की? तो बाप दादा तो भिन्न भिन्न रूप से बच्चों को सहयोग देते हैं। हमको बाबा ने अव्यक्त रूप से निराकार आकार के रूप में पहले पहले मदद की, फिर साकार ब्रह्मा बाबा के तन में भी बाप दादा ने मदद की, और फिर अव्यक्त रूप में भी बाप दादा ने मदद की। तो ये शॉर्ट में मैं बताऊंगा, बाकी तो अनुभव तो हर संगम युग में हरेक के जीवन में पल पल में अनुभव है। तो आज से 50 साल पहले मैं अपना MBBS पूरा करके इंटर्नशिप कर रहा था। इंटर्नशिप आप जानते होंगे जिसमें हमें फ्री प्रैक्टिस करनी होती है। तो ये 1968 की बात है। उसके पहले भक्ति भाव तो था ही, गीता भी बचपन में पढ़ता था, श्री कृष्ण का फोटो हमारे हॉस्टल में मेरे टेबल में रखता था, तो सभी दोस्त भी खुश रहते थे। भक्ति करते करते ऐसा था, मुझे तो ध्रुव कुमार बनना है, एक पांव पर खड़े रहना है और तपस्या करनी है, लेकिन उसका अर्थ पता नहीं था। तो 1968 में मैं जब इंटर्नशिप कर रहा था तो मेरे अंदर एक क्रांति सी आ रही थी। मुझे पता नहीं था कहाँ से, लेकिन मैं एकदम लाइट मेरी अवस्था बन गई। अंदर से खुशी के झरने बहते थे, शांति की लहरें आती थी, पवित्रता की खुशबू आती थी, ऐसी लहरें निकलती रहती थी। सुख और शांति, प्यार 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 से दिल भर जाता था। बहुत अच्छा लगना लगा। मुझे पता नहीं था ये कोई बाबा की मदद थी, लेकिन मैं मुझे ये अनुभव हो रहा था। तो ऐसे अनुभव में सारे दिन रात मैं खुशियों में रहता था, लाइट रहता था, एकदम भरपूर रहता था, संतुष्ट मणि बन गया था। तो मुझे होता था कि ये मैं कौन हूं, क्योंकि ये लहरें इतनी मनभावन थी जो सदा 3 मास तक हमारी ये अवस्था रही। यह अवस्था कोई साक्षात्कार नहीं था, कोई मैंने अपने आप को देखा था या कोई कृष्ण को या देखा था, ऐसा नहीं था। लेकिन मेरी अनुभूति ऐसी थी कि जैसे मैं बहुत सुखमय हूँ, शांतमय हूँ, पवित्र हूँ, लाइट हूँ, संतुष्ट हूँ। सारा दिन की दिनचर्या साधारण रहती थी, जैसे कोई हॉस्टेलाइट की रहती है ऐसे ही, लेकिन अंदर से मुझे बहुत ऊंची वृत्ति स्मृति रहती थी। तो ये ऐसा सुंदर अनुभव था, और इतना हल्का रहता था, पवित्रता की स्मृति रहती थी, जो जिसके कारण
मेरे को कोई नीचे उठा नहीं सकता था, नीचे ला नहीं सकता था, इतनी अच्छी अवस्था थी। ये अवस्था ही मेरे लिए जीवन में हमेशा एक लक्ष्य बन के रही है। तो उस अवस्था में सारा दिन और रात हमारा खुशी से बहता था। सुबह में इस दरमियान बीच बीच में मुझे कुछ ऐसी लहरें भी आती थी जिसको जिसके कारण मेरी वो ऊंची अवस्था जैसे कि नीचे जाने के लिए खींचा होता था, लेकिन वो खींच रही तो वो जो लकीरें थी, लकीर के माफिक था, जो लकीरें थी तो वो लकीरें मैंने एनालिसिस, मैं खुद ही अंदर अंतर्मुखी होकर एनालिसिस करता तो मुझे मालूम पड़ा कि ये सूक्ष्म जो है पांच विकारों की लहरें हैं। और गीता में मैंने पढ़ा था बचपन में कि पांच विकार हमारा महाशत्रु है, तो उस समय मुझे लगा कि ये गीता की अनुभूति मुझे अभी हो रही है जिसमें मैं ऊंची अवस्था में होते हुए भी कुछ न कुछ लकीरें नीचे खींचने की कोशिश करती थी, लेकिन मुझे ऐसी शक्ति मिल रही थी जो वो खींच नहीं सकती थी, मैं उससे ऊपर उठ जाता था। मुझे उसका कोई प्रभाव मेरे पर नहीं था, तो ये शक्ति मिल रही थी, कहाँ से मिल रही थी वो मुझे पता नहीं था, लेकिन मिल रही थी और मैं एक ऊंची अनुभूति में ठहर जाता था। सुबह में मैं हॉस्टल में रहता था तो टेबल कुर्सी पर बैठ जाता था, 5 बजे लगभग उठ जाता था, उस समय की बात कर रहा हूं। उठ के अगरबत्ती करके एकदम अंदर ही शांत चित्त से बैठ जाता था और मुझे होता था कि मैं जैसे कि लाइट 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 होता होता एकदम ऊंची श्रेष्ठ कोई डिवाइन अवस्था को अनुभव कर रहा हूं, और ये अनुभूति सारा दिन फिर चलती थी। मेरी इस दिनचर्या का प्रभाव मेरे अपने पर तो था, लेकिन हमारे मित्रों पर भी था। तो हमारे साथी जो हॉस्टेलाइट्स थे, स्टूडेंट भी थे, तो वो भी अनुभव करते कि ये जयंत कुछ बदल गया है, और उनको मेरे प्रति एक रिस्पेक्ट की नजर हो गई। जो पहले तो फ्रेंड्स कैसे मिलते हैं, हेलो हाउ डू डू करते, एक दूसरे टिकड़ी भी करते हैं, लेकिन उस समय मेरी वो अवस्था का प्रभाव इतना था कि वो कभी इधर उधर की बातें करते और मैं वहां पहुंच जाता तो अंदर से बोलते कि भाई जयंत आया है, अभी हमें ऐसी बातें नहीं करनी है। तो मैं भी महसूस करता था कि ऐसी कोई फ्रेंड फ्रेंड के ऊपर कोई ऐसी प्रभाव नहीं डाल सकते हैं, लेकिन ये जरूर अपनी ये अवस्था है, इसके कारण ऐसे हो रहा है। ऐसे ही जो दोस्त थे उसकी तो बात कही, लेकिन जो थोड़े अंदर से जिसके प्रति होता है ना अपने से दूर और दूर रखने का जिसको चाहते हैं हम, कि ये इधर ना आवे या न मिले या देखे नहीं हम उसको, तो वो भाव सारा हमारा बदल गया था। कोई नॉलेज नहीं थी मुझे कि आत्मा समझो या करो, लेकिन ये शक्ति ऐसी मिल रही थी जो मेरा भाव ही ऐसा बदल रहा था, तो वो लोग भी मेरे साथ मित्र बन गए, जो मित्र नहीं थे लेकिन साथ में थे, लेकिन मित्र बन गए। तो ये एक ईश्वरीय अवस्था का सुंदर अनुभव उस समय लगातार चलता रहा, जैसे मैंने कहा ना 3 मास तक ये चलता ही रहा। उस समय में मेरी एक और अवस्था पावरफुल थी, वो एकाग्रता थी। कोई भी बात करना है या सोचना है तो एकाग्र स्वतः बन जाता था, और इस एकाग्रता की असर ऐसी थी कि
कि मेरे बॉस या जो हमारे सर्जन होते हैं, जो सर्जरी करते हैं, तो मेरे से कई सीनियर होते हुए भी वो कहते थे, जयंत तू आके मुझे सर्जरी में मदद करो। क्योंकि एकाग्रता से कारण क्या है कि जब जो हमारा बॉस होता है उसको जो समय जिस चीज की जरूरत है वो इशारे से हम दे सकते हैं, तो ये देख के उनको भी लगा कि ये अच्छा असिस्ट कर सकता है। तो ये एकाग्रता के कारण ही सिलेक्शन होता था, ना देखते थे कि ऐसा है। फिर पेशेंटों के पास भी जाता था तो पेशेंट के लिए भी स्नेह और सहयोग की भावना इमर्ज होती थी, उनको अच्छी तरह सुनता था और उनको अच्छी तरह गाइडेंस देते थे। और इसीलिए मेरी केबिन में सबसे ज्यादा दर्दी रहते थे। तो इस प्रकार से ये सारी दिन की दिनचर्या हमारी सुबह से शाम तक रहती थी। हॉस्टल में थे तो हम भोजन करते थे तो भी सबसे अलग शांति से भोजन करते रहते थे। ये कोई ज्ञान नहीं मिला था अभी तक मुझे, नाश्ता करते समय भी ऐसा, सामान्य काम करते वक्त भी, जैसे सुबह में उठ के दूध लेने को जाना होता था तो वो भी जाते जाते मस्ती में रहता था। तो इस प्रकार से सारे दिन की दिनचर्या खुशनुमा दिनचर्या रहती थी। और ये ऐसे लगता था कि वाह में वाह अंदर से। आजकल दुनिया में हम जानते हैं कि ओ वाह हाय हाय निकलता है, इसके बदले मेरे अंदर से स्वतः निकलता था वाह वाह। मेरे सामने अभी कोई दुख आ नहीं सकता है ऐसा निश्चय हुआ। अभी दुख हमारे सामने नहीं आ सकता है क्योंकि 3 मास लगातार उसी सुख की स्मृति में रहता था। मैं अमर हो गया ऐसा भी भाषणा होती थी, ये कॉन्शियसनेस ऐसी बनी गई थी। आत्मा हूं ये जानता नहीं था लेकिन कॉन्शियसनेस ऐसी थी कि मुझे अभी मृत्यु का डर नहीं है, मृत्यु होगा ही नहीं, ऐसा अमर ये भाषणा थी। अंडरस्टैंडिंग की बात नहीं है, भाषणा की, ऐसी भाषणा और ऐसा सुख और ऐसा परिवर्तन का अनुभव हो रहा था। ऐसी भी परिस्थिति आई उन 3 मासों में कि जब डिस्टर्ब हो जाए हम, जैसे कि उस समय बचपन में तो साइकिल भी एक बड़ा वाहन जैसा था, तो नई नई साइकिल ली थी मैंने और वो चोरी हो गई, तो नेचुरली उस समय की परिस्थिति के कारण कितना अंदर में आघात लग सकता है वो आप इमेजिन कर सकते हो, क्योंकि उस समय वो भी बड़ी चीज थी, लेकिन मुझे उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। कहने का मतलब वो अवस्था इतनी अच्छी थी जो मैं हर स्थिति में खुशनुमा में रह सकता था। तो इस प्रकार से ये अवस्था लगभग 3 मास तक रही। वाह 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 यही अंदर से आवाज भी निकलती थी और अनुभूति भी थी। लेकिन ये कहाँ से थी, कैसे आई, वो कुछ पता नहीं था। मैं तो उस समय ऐसा ही समझता हूँ ये मेरा कोई भाग्य है। हाँ, ये बाद में कैसे मालूम पड़ा वो मैं आपको बताऊंगा। तो इसी अवस्था में मौज में रहते रहते 3 मास लगभग पूरे आना हुआ था। उन्हीं दिनों में सबसे पहला सेंटर बड़ौदा में शुरू हुआ, तो पहली पहली प्रदर्शनी लगी थी। बड़ौदा में बड़ा न्याय मंदिर का हॉल है जहां पर ये प्रदर्शनी लगी थी और मैं उसी अवस्था श्रेष्ठ अवस्था में था
तुम्हें आध्यात्मिक अनुभूति थी वो तो मुझे मालूम था ही, और ऐसा भी मैं महसूसता थी कि मैं कौन हूं। मैं अंदर ही सोचता था उस समय भी कि मैं कौन हूं, तो अंदर से जो हमारी वृत्ति निकलती थी उससे मुझे मालूम पड़ता था कि मैं श्रेष्ठ देवता हूं, सारे विश्व के प्रति मेरी शुभ भावनाएं निकल रही है। ये प्रैक्टिकल में मुझे अपने आप को परखने का भी अंदर में ज्ञात हुआ कि मैं महान या हस्ती हूं, या तो देवी देवता वो मैं भी श्रेष्ठ देवता हूं, ऐसा अनुभव हो रहा था। तो इसी अनुभूति के साथ ही मैंने पहली प्रदर्शन, इसीलिए कोई भी आध्यात्मिक बात होती थी तो मैं वहां चला जाता था, मुझे लगा कि मैं ही खुद बहुत बड़ी अनुभूति वाला हूं। तो प्रदर्शनी जब लगी थी ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की, तब मैं उसमें प्रवेश किया। वहां लिखा था 8 साल के बाद विनाश होना है। मैं अंदर गया, अंदर एक एक चित्र देखते रहा, सारा 1 घंटा सब चित्र देखे, बहुत अच्छा लगा। वहां सब ब्रह्मा कुमारी भाई बहन प्रदर्शनी समझा रहे थे, इधर उधर फरिश्तों की तरह घूम रहे थे, मुझे भी वो फरिश्ते भासते थे, तो मुझे फरिश्तों की दुनिया में आ गया हूँ, ऐसी मेरी अनुभूति वहां पर थी। और एक छोटी सी बुकलेट मैंने वहां से करी, इजी स्पिरिचुअल राजयोग की वो बुकलेट थी, वो लेकर मैं बाहर निकला तो एक कुमार वहां था, उसके साथ हमने प्रश्न उत्तर करते रहा। तो ये प्रश्न उत्तर करते रहे, वो भी उमंग उल्लास में थे, हमें एक एक प्रश्न का जवाब देते रहता था। तो इतना सारा चला, वो न्याय मंदिर हॉल का प्रदर्शनी बंद हो गया, वो फिर भी खड़ा रहा, मैं भी सुन रहा और पूछ रहा। तो 11 बज गए, आखिर में उनको बुलाने आया सेंटर से कि भाई चलो अभी खाना बना, खाना है कि नहीं। तो कहने का भाव कि मेरा इंटरेस्ट इतना था और उनका समझाने का इंटरेस्ट इतना था, जो बड़ी रुचि से 11 बज गए पता ही नहीं पड़ा। तो ये प्रदर्शनी के बाद में अपने अपने हॉस्टल पर गया, और वो इसी स्पिरिचुअल राजयोग की बुकलेट थी ना, वो पढ़ने लगा। तो सारी बुकलेट पढ़ ली, उसमें छोटी सी थी और उसमें परमधाम का लास्ट में एक्सप्लेनेशन था। तो वो पढ़ते 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 मेरी स्मृति एकदम सूक्ष्म, एक लाइट का गोला में बन गया, और जैसे इस शरीर को छोड़कर ऊपर दूर दूर जा रहा हूं, ये अनुभव हुआ। तो ये मस्ती में ही था, मैं ये एक नया अनुभव, दिव्य अनुभव किया, और बाद में आराम से लेट भी गया। और उस दिन के बाद फिर आगे जैसे बढ़ता रहा तो देखा गया कि वो मेरी जो अनुभूति थी वो धीरे धीरे वेनिश हो गई, गायब हो गई। अभी वो तो इतना अच्छा अनुभव था, इतना अनुभव था, और ये अनुभव चला गया तो पहले जैसा जो हमारी मनोस्थिति थी वो आ गई। अभी देखिए, पहले तो इसमें सहज लगता था, लेकिन अभी ये स्थिति हमारे लिए बहुत दुखदायी हो गई, क्योंकि एक अच्छे से अच्छी अनुभूति मैंने कर ली थी, ऐसी अनुभूति जो की थी वो कहाँ गई। तो इसीलिए आप समझ सकते हो क्या हालत हो जाती है व्यक्ति की, पहले से भी बदतर अवस्था हो गई, जो ऑर्डिनरी चल रही थी लाइफ इनसे भी और खराब परिस्थिति हो गई, स्थिति हो गई, तो परिस्थिति भी ऐसी ही लगने लगी। तो मैं तो सोचने लगा अभी क्या करूं। तो मैंने
ये तो देखा कि ये अनुभूति ईश्वरीय अनुभूति थी, योग की या जो भी है अनुभूति हाईएस्ट थी, तो वो तो धार्मिक अनुभूति थी। इसीलिए धर्म के पुस्तकों में खास मुझे जो पसंद था अरविंद घोष की पुस्तकें और दूसरा विवेकानंद की पुस्तकें, वो हमारी जो पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट की लाइब्रेरी है अंसा मेहता लाइब्रेरी बड़ौदा में मशहूर है, तो उसमें जाके नीचे बेरेक में जाके उसको स्टडी करने लगा। बहुत स्टडी किया स्टडी किया, ज्ञान तो इधर उधर जो भी मिला लिया, लेकिन अवस्था आवे नहीं तो क्या करूं मैं, अब सोचो क्या होगा। हाँ वो मैं तो उसके पीछे था, लेकिन अवस्था उनसे बनी नहीं मेरी, अभी क्या करूं। फिर हमने सोचा है ये तो मैंने अपने आप लाया था, क्योंकि पता तो नहीं था बैकग्राउंड कौन था, तो मैं अपने आप बड़े बड़े मैदानों में जाकर अकेला एकांत में घूमता फिरता, अपने अंदर विचारों को नील करका अपने विचारों को ठीक करने की बहुत मेहनत करता था, लेकिन अवस्था तो आ ही नहीं रही थी, ऐसे ही चल रहा था और ही घबराहट बढ़ रहा था। इतना हो गया, इतना दुख लगा कि मैं सच बताऊं, इतना डॉक्टर होने के बाद भी हमारे क्वार्टर्स के अंदर रजाई ओढ़ के रोता था, अभी अंदर से आंख में से आंसू आता था कि ये क्या हो गया, अब क्या करूं, कैसे ये वापिस मिले। अपने आप से भी मेहनत कर ली लेकिन नहीं हो रही थी, तो फिर आखिर में मुझे याद आया कि वो इजी स्पिरिचुअल राजयोग की बुकलेट जो थी उसमें देखा और उसमें से माउंट आबू का एड्रेस ढूंढा मिला, तो मैंने माउंट आबू लेटर लिखा कि मुझे आपके विद्यालय का स्टडी करना है, क्योंकि वो प्रदर्शनी में मुझे पता नहीं था, प्रदर्शनी तो हुई फिर होने के बाद कहाँ गई वो उसके करता हरता वो पता नहीं था, तो मैंने माउंट आबू से जब लेटर लिखा तो वहां जवाब आया कि इस स्थान पर बड़ौदा में ये सेंटर खुला है। उस समय ये प्रदर्शनी में खास बॉम्बे से दादी प्रकाशमणि जी भी आए थे और रमेश भाई उषा बेन और साथ में और बॉम्बे के भाई बहन थे, कोई को पहचानता तो था नहीं, मैं तो ये तो बाद में सब पहचान मिली। तो वो जो सेंटर खुला था वहां में गया, फिर तो सेंटर में जब गया तो वहां पहले पहले ही हमने देखा कि लक्ष्मी नारायण का फोटो था, और लक्ष्मी नारायण तो सब देवताओं में श्रेष्ठ देवता है, और मुझे भी अनुभव हुआ था मैं श्रेष्ठ देवता हूं। ये तो मैंने आपको पहले भी कहा ना कि मुझे क्या अनुभव हुआ कि मैं श्रेष्ठ देवता हूं, और वहां भी बताया लक्ष्मी नारायण का फोटो, तो इसीलिए मुझे फिट हो गया कि यहाँ ही मुझे जवाब और यहाँ से मेरा जीवन श्रेष्ठ गति को पाएगा। और फिर मैंने 7 डेज कोर्स किया। तो उस समय आपको ये कहना रह गया कि जब बड़ौदा में सेंटर नहीं हुआ था, गुजरात में पहला सेंटर अहमदाबाद में हुआ और बाद में भावनगर में हुआ जहाँ चंद्रुबेन भी रही हुई है, और फिर तीसरा सेंटर जो है बड़ौदा में खोलने का था, तो बाप दादा को ये था कि बड़ौदा में अच्छे से अच्छा सेंटर हो, तो इसीलिए जब ये बाबा का संकल्प था उस संकल्प के साथ ही मुझे ये अनुभव हुआ, क्योंकि बाबा ने वो शक्तिपात को या बाप दादा ने मिलकर सारे बड़ौदा को शक्ति दी होंगी जिसके कारण मुझे ये अनुभव हुआ, नहीं तो मेरी जात से तो मैं अनुभव कर ही नहीं सकता, तो सिद्ध हो गया कि मैं अपनी रीति से तो कुछ नहीं कर सकता हूँ, न कोई धर्म स्थापकों ने कुछ मुझे दिया है, ये था उनकी देन।
बाप दादा की सूक्ष्म देन शुरुआत में ही मिल गई मुझे, मैं लकी रहा। तो फिर साहब 7 डेज कोर्स किया, उस समय आत्मेंद्रा दीदी या छगु दीदी, छुगी दीदी नाम था दीदी का, बाबा उनको ज्ञान की छुगु कहता था इसलिए छुगी दीदी उनका नाम था। तो पहले पहले बड़ौदा में छुगी दीदी था, उन्होंने खुद ने बैठकर मुझे 7 दिन का कोर्स कराया। इसके बाद मुझे पूछा उन्होंने कि आपका अभी किस प्रकार की लाइफ है। कहने का भाव था उनका कि तुम कौन हो, कुमार हो, अधर कुमार हो, तुम्हारा फैमिली क्या है। तो मुझे पूछा तुम कौन हो, कुमार हो। तो मैंने कहा कुमार तो हूं, लेकिन कुमार नहीं भी हो सकता हूं, क्योंकि मेरी सगाई हो गई थी बचपन में, जब छोटा था ना तो सगाई हो गई थी, इसीलिए मैंने कहा कि मेरी सगाई हो गई है। तो ज्ञान मिला, समझ मिली कि कुमार लेना अच्छा है। और दूसरी तरफ पहले पहले लक्ष्मी नारायण का फोटो देखा था मैंने, तो दोनों कंबाइन भी रह सकते हैं ऐसा भी था, लेकिन मूड थी संगम युग में कुमार होने की जरूरत है, सतयुग में लक्ष्मी नारायण बनने की जरूरत है। तो अभी मन में था कि अभी क्या करें, कुमार लाइफ अच्छी लाइफ है तो कुमार रहना चाहिए। फिर होता है अनुभव तो श्रेष्ठ देवी देवता का हुआ था, मतलब कि दोनों साथ में तो थे, तो अब क्या करना चाहिए। तो उन्होंने पूछा तुमको क्या करना है, दीदी ने हमारे जो निमित्त थे उन्होंने पूछा क्या करना है। मैंने कहा आप कहो। लेकिन ये दीदी को बाबा ने कितनी अच्छी ट्रेनिंग दी थी, और दीदी भी कितनी निर्माण थी, जो उन्होंने अपनी राय नहीं दी, उन्होंने कहा चलो मधुबन में बाबा को मिलेंगे और बाबा से राय लेंगे। तो देखो ये भी कितनी अच्छी बात हुई, बहने भी कैसे निमित्त रूप में राय भी बाबा से दिलवाई। तो इसीलिए फिर हम मधुबन का हमारा टूर नक्की हुआ, मैं मधुबन में ग्रुप के साथ गया। तो वहां उस समय ब्रह्मा बाबा व्यक्त रूप में थे ना, बाबा की आयु 92 वर्ष की थी उस समय, 1968 के एंड की बात कर रहा हूँ लगभग। और बाबा बहुत कदावर और ऐसे प्रभावशाली थे, हाइट भी बड़ी थी और खड़े रहते थे तो भी जैसे कि एक जवान की तरफ खड़े रहते थे। मुझे भी लगता था कि ये मेरे से जवान है, मैं इतना नहीं हूं। ऐसी इनकी प्रभावशाली व्यक्तित्व था उनका। तो हम वहां पहुंचे तो पहले ही दिन बाबा हमको योग रूम जो है ना उसके बाजू में एरिया था, ओसरी कहो कि जा कहो, जहाँ पहले बूट चप्पल उतारते थे, तो ओसरी के अंदर बाबा खटिया में लकड़ी की खटिया पर बैठे थे और हम सबको प्यार से मिले, दृष्टि रूप में लग गए, लेकिन व्यक्तित्व बहुत ऊंचा था। फिर 7 दिन, उस समय तो 7-7 दिन तक हम रहते थे, तो बाबा के साथ का वर्णन कर रहा था। हम गए तो रात को भी 10 बजे हम सो जाते थे, तो मैं हम सोए हुए थे और बाबा लगभग 10 बजे आ गए और आके सबको, सब हम हमको दीदी ने खड़ा कर दिया, हम बैठ गए और बाबा हाल चाल पूछ रहे थे, बड़े अच्छी तरह से सबको मिल रहे थे। तो इस प्रकार से रात्रि को भी बाबा बच्चों को देखने आता था। इसी प्रकार से पिकनिक भी रखी थी हम बच्चों पर, तो
तो वहां पिकनिक में भी साधारण रूप से बैठकर सबके साथ में नीचे नीचे पट पर बैठकर ही हमारे साथ पिकनिक भी की थी। ये भी उनकी विशेषता और महानता थी। इसके बाद बाबा जो है, एक बार मैं भंडारे में अनाज की बोरी उठा के आगे पीछे कर रहा था तो हमने देखा कि पीछे से बाबा आ गए और आप पीछे से पीठ ऐसे ऐसे दबा के शाबाश बच्चा कहा। तो ऐसे प्यार से इतना उत्साह उमंग दर दिया। तो ये भी आज तक याद है कि बाबा मेरी ख्याल करते थे कि कैसे हर एक बच्चे का ध्यान रखते थे। तो वहां भंडारे के अंदर भी बाबा निकले तो देखा, फिर बाबा को वहां रतनमोहिनी दादी का हाथ पकड़ कर कैसे बाप बच्ची जैसे चलते चलते जा रहे थे, वो दृश्य भी मेरी बुद्धि में सुंदर प्रिंट हो गया कि कैसा यहाँ आपसी प्यार है, बाप का प्यार है। और इस प्रकार से कई बार बाबा को मिलने को मिला। उसमें खास जब बाबा हिस्ट्री हॉल में योग कराते, तभी हिस्ट्री हॉल ही था तो बाबा योग कराते थे। वो योग के समय, टाइम के समय कैसे टाइम पर आ जाते थे, जैसे एक तरफ 7 बजते थे और दूसरी तरफ उनकी जो चाकड़ी है उसकी आवाज सुनाई देती थी। तो एक्यूरेसी का भी ख्याल आया कि कैसे बाबा एक्यूरेटली टाइम पर हर कार्यक्रम पर सारे विश्व की जिम्मेवारी होते हुए भी टाइम निभाकर आ जाते थे, ये भी वंडरफुल लगता था। और जब आके प्रवेश करते थे तो हमने देखा इतनी अच्छी हाइट, जवान की तरह खड़े होके कैसे आके बैठते थे। कभी कोई योग कराने वाला होता था और कुछ समय सुनाता है तो बाबा आने से वो झट से उठ के बाबा को इतना रिगार्ड देता था। तो ये भी बाबा का प्रभाव हमने देखा। बड़े बड़े टीचर ओम प्रकाश भाई जैसे भी थे, लेकिन बाबा आते तो फट से खड़े होके बाबा को अपनी रिस्पेक्ट देते थे। बाबा योग कराते थे वो भी हमने देखा। बाबा के सामने हम बैठे रहते थे बच्चे, और बाबा की दृष्टि जो है सर्च लाइट तरह एक सेकंड में इधर से उधर पता नहीं कैसे घूमती रहती थी। जहां बाबा के बच्चे बहुत योग में थे वहां स्थिर, थोड़ा सा समय स्थिर होती थी, बाकी ऐसे इधर से उधर इधर से उधर दृष्टि, जैसे कि एक वो फिरता है ना लाइट हाउस, ऐसे चलती रहती थी। तो ये भी आत्मा की, ब्रह्मा बाप और शिव बाबा की दृष्टि कैसे सबके तरफ जाती थी, वो भी एक देखने लायक सीन था। और इसके बाद जब लास्ट में भी योग करा के जाते थे तो बाबा पीछे पांव चलते थे और हम बच्चे बाबा के सामने सीधे पांव चलते थे। बाबा पीछे पीछे चलते, दृष्टि देते देते पीछे चलते। और एक जो पांडव भवन की बाहरी वो दरवाजा है वहां तक बाबा ले जाते थे हम बच्चों को, फिर वापिस आते, फिर वहां अपने रूम में जाते थे। तब भी दृष्टि देते देते आखिर में ऐसे ऐसे करके बाबा पूरा करते थे। तो योग कैसे कराते थे वो भी एक वंडरफुल सीन हमने देखा। तो इस प्रकार से लास्ट में जब हम विदाई में निकले, विदाई लिया वहां से, तो उस समय भी बाबा ने एक एक बच्चे को टोली देते, प्यार से पुचकार करते बाबा मिलते थे। तो कोई को ऐसे आंखों से मिलते थे, कोई हाथों से मिलते थे। मेरे दिल में था कि बाबा भगवान आया है, मुझे तो भाखी पहननी है। तो मेरे पास जैसे बाबा आए तो मेरे को ऐसे
प्यार से अपने भांखी भांग तो समझते हो ना, भांखी भेंटने की बात है, भांखी माना भेंटना। तो बाबा ने भेंट के हमें विदाई दी। अच्छा, तो इस प्रकार से मधुबन से विदाई ली, लेकिन आपसे अभी विदाई नहीं लेता हूं। मूल बात तो रह गई ना, हाँ मूल बात तो याद है ना, क्या थी मूल बात? थी कि बाबा से राय लेनी थी। तो ये राय लेने के लिए बीच की बात अभी फिर से कहता हूँ कि राय लेने के लिए बाबा से मिलने का टर्न था। इंडिविजुअली हम मिल सकते थे, तो बाबा जो मैं मिला उस समय बाबा जो है कुटिया में बैठे थे और हम झूले पर बाहर पांडव भवन में, देखा होगा आप सबने जो भी गए होंगे, बाहर झूले पर हम बैठे दीदी के साथ और बाबा अंदर में थे। तो मुझे झूले पर बैठते बैठते होता था, मैं भगवान को मिलने जा रहा हूँ, कैसे बात करूंगा? अंदर थोड़ा ऐसे था, घबराहट या अवस्था थोड़ी डाउन होती थी। लेकिन जब बाबा की कुटिया में प्रवेश किया तो एकदम हल्का हो गया। फिर बाबा के पास पहुंचा, बाबा दीदी ने परिचय दिया कि ये बच्चा है, बाबा बड़ौदा से आया है और अपनी प्रस्तावना रजू की कि इनकी सगाई हो गई है तो क्या करना है। तो बाबा ने फिर हमको कहा, यहाँ बाबा जानते हैं बचपन में क्या गोद में, अरे गर्भ में होते हैं तब शादी कर देते हैं सब। पुराने जमाने में तो ऐसा था ना, बच्चा पैदा होने वाला था या कोई को बच्ची पैदा होगी तो आपस में नक्की कर लेते। हमारा ऐसा नहीं था, लेकिन ऐसे बाबा ने बोला कैसे होता है। फिर बाबा ने मुझे पूछा कि बाबा आप करते थे, हम बच्चों को भी इतना रिस्पेक्ट देते थे कि आप कितने समय से में योग में रहते हो? तो मैंने कहा बाबा मैं 3 मास से योग में जाता हूं। अभी देखो मैंने तो बोला, लेकिन बाबा ने कितना ध्यान से सुना। तो बाबा ने क्या जवाब दिया, क्या करेक्शन किया पता है आपको? करेक्शन मालूम पड़ता है क्या करना चाहिए? मैंने कहा मैं 3 मास से योग में जाता हूं। तो ये राइट है रॉन्ग है जवाब? तो सोचना। तो बाबा ने जवाब ये दिया कि बच्चे योग में जाना नहीं होता है, योग में रहना होता है। तो कितना ध्यान से मेरी आवाज सुनी होगी जो बाबा ने उस समय भी करेक्शन करके कहा। फिर राय दी कि तुम उनसे मिलो, बच्ची से मिलो और बच्ची से राय करो पवित्र जीवन की, और उनको बोलो निश्चय पत्र दे। मैं समझा वाह बाबा वाह, बहुत अच्छा काम कर दिया बाबा ने राय दी, क्योंकि हाँ बोले तो भी फायदा है, ना बोले तो भी फायदा है। अभी मैं जाऊं मिलने और वो हाँ बोले तो भी फायदा है, ना बोले तो भी कुमार जीवन है। इसीलिए रहते थे बाहर गांव में, मतलब हमारे पिताजी की गवर्नमेंट की सर्विस थी, कस्टम ऑफिसर थे, तो हम तो दूसरे दूसरे गांव में फिरते रहते थे। आप भी आओ ना साथ। तो हमारा मिलना तभी हो सकता था जब हम उस गांव में जाए। हमारा दोनों का गांव एक ही था, सिर्फ 10 मकान का ही फर्क था। एक को मिलने का भी तब होता जब हमारा वेकेशन होता और अपने गांव में जाते, तब तो उस समय प्रयत्न तो करता रहता था मिलने का, कि मैं कोशिश तो करता था लेकिन मिल नहीं पाता था कभी भी। अब तो बाबा ने कहा कि मिलके सब करवाना है, निश्चय पत्र लेना है, कैसे करूं? तो मैंने अपना एक मित्र था जो उनका बुआ होते थे, तो उनसे बात की कि यार जमाना तो बदल गया है, अभी तो एक दूसरों को मिलाओ, तुम कुछ करो।
तो बाबा की याद में कहा, ने वो मान गया, कहता है हाँ तुम्हारी अपॉइंटमेंट रख लेगी, हमारे घर पर बुला लूंगा मैं बच्ची को, वही हमारी भतीजी को, उनकी उनका चाचा थे वो और मेरा फ्रेंड थे। तो फिर ये अपॉइंटमेंट नक्की तो हुई है, लेकिन वंडरफुल एक बात दूसरी ये हुई कि उसके 2-4 दिन पहले, जिस दिन की अपॉइंटमेंट थी उसके 2-4 दिन पहले, दिवाली का समय था और भाई बीज का दिन था। वो क्या है, उसकी माँ हमेशा कहती थी मेरे के लिए कि तुम यहाँ से मेरे घर के बाजू से गुजरो नहीं, निकलो नहीं, मेरी बच्ची जेल में हो जाती है, मेरा कान साफा अटक जाता है, क्योंकि वो बच्ची बहुत अच्छी थी। उनके माँ बाप की हर बाहर का काम है ना, मम्मी का बल फटाफट कर देती थी, एक्टिव थी, और मैं आ जाता था तो वो बाहर नहीं निकलती थी। तो इसकी मम्मी हमेशा कहती थी कि इधर से मत गुजरो, लेकिन ये धर्म भाई बीज का दिन था तो मैंने सोचा ये तो आध्यात्मिक दिन है, हम सासू जी के पास आशीर्वाद लेने बहाने तो जा सकते हैं ना, इस करके हिम्मत करके मैं उस दिन निकला आशीर्वाद लेने का। अंदर में था क्या करना है, मिलना है, देखना है, लेकिन ये भी था। तो भाई बीज के दिन में जैसे ही निकला और उनके घर के अंदर प्रवेश करता हूं, तो एक लड़की हंसते हंसते पानी का बेड़ा माथे पर रख के बाहर निकल रही थी और हंसने लगी मेरे को देख रही। मैंने सोचा इस ये शायद चंपा ही है, क्योंकि उसके पहले उनकी 8 बहनों को देख लिया था उसकी देखने की राह में, लेकिन उसको कभी नहीं देखा था, ये नई थी बहन। तो मैंने यही समझा कि ये वही होंगी और वो वही थी। तो ये दिन भी भाई बीज का दिन था, ये हमें उस समय कुछ पता नहीं था, लेकिन वंडरफुल ये बात हुई कि भाई बीज के दिन ही हमारी पहली मुलाकात इस संगम युग में हुई, तो ये भी कुछ वंडर हो गई। इसके बाद तो फिर जो आप जिस बात की आतुर हो, वो बात, वो दिन आ गया जब हमारी मुलाकात उनके चाचा के पास और हमारे दोस्त के घर हुई। उन वो भी आई, मैं भी गया वहां, हम मिले। मैंने मैंने मेरे को कहा चाय वाय पियोगे ने, वो उनके चाचा ने बोला, तो मैंने कहा नहीं, मैंने कहा नहीं हम तो नहीं पी सकते। तो कि चंपा बनाएगी, अच्छा तो भले ठीक है, कुमारी तो थे हम भी, कुमार कुमारी ही थे और है भी। तो वो अंदर किचन में गया, हेलो हाउ डू डू किया, कैसे हो, बातें की, लेकिन पहली मुलाकात में ही कह दूं कि हमें तो ये चाहिए, ये करना है, ये तो कर सकेंगे, इसीलिए हेलो हाउ डू डू बातें थोड़ी की, वो भी बहुत कम बोली, और ऐसे हमारी पहली मुलाकात पूरी हुई। अभी हमारा बुलावा आ गया बड़ौदा से कि अभी तुम्हें इंटर्नशिप में अपनी ड्यूटी बजाने आ जाना है, जल्दी हाजिर हो जाओ। तो मुझे जाने का ही नक्की हो गया। तो फिर दूसरी मुलाकात की, तो उस समय जब मिले तो हमने तो या होम करके कह दिया कि हमको तो ऐसा जीवन जीना है, आपको यदि मर्जी हो तो ये निश्चय पत्र पवित्रता का लिख दो। मेरे दिल में कोई डर नहीं था, ना बोले तो भी अच्छा था, हाँ बोले तो भी अच्छा था, लेकिन वंडर ये हुआ उसने क्या किया। उनके विचार तो आप सुनेंगे, यदि टाइम होगा तो वो भी बताएगी कि हमने क्यों लिख दिया, कैसे लिख दिया। तो इस प्रकार से उन्होंने तो लिख दिया, आज भी मेरे पास वो चिट्ठी पड़ी हुई है, क्या जीवन, पवित्र जीवन हम बिताएंगे। तो भाई आप भी ताली तो बजाएंगे ना, ये कुछ नहीं बुलाते हो, हाँ सुनते हो आप, हाथ तो खड़ा करो, ठंडी सुन नहीं रहे, सुन रहे छे सांभरे सांभरे छे
सभी सुन रहे हैं ना? हाँ, तो फिर हाँ ये तय हो गया, हमको ये चिट्ठी मिल गई तो बाबा की छुट्टी भी मिल गई, तो इस प्रकार से हमारे को बहुत अच्छी राय मिलने से, हाँ तो ये बात से समझ में आता है कि बाबा की राय से कोई भी विशेष कार्य होता है, हम बाबा की राय से करते हैं तो कार्य भी सिद्ध हो जाता है और निश्चिंत भी रहते हैं, निर्भय भी रहते हैं, हलचल में नहीं रहते हैं। इसलिए बाबा से पूछने से या निमित्त को पूछने से कैसे हम हल्के रहते हैं वो अनुभव भी किया। इसके बाद तो मैं मेडिकल ऑफिसर बन गया था, मैंने फिर भी जितना हो सके ये सगाई को दूर, सगाई को शादी में परिवर्तन करने का टाइम को जितना हो सके दूर करने के लिए मैं अपने आप में बिजी रहा। मेडिकल ऑफिसर की ड्यूटी भी की, अकेले कुमार मैं जैसे खुद को खाना बनाना ये सब करते, दवा भी देना पेशेंटों को करता रहा। लेकिन फिर आखिर में हाँ ये शादी कैसे हुई वो आप बताएंगे। हाँ टाइम के पूछ रहे हाँ 8 बजे के, हमने कहा 10 बजे से, ना ना 10 नहीं बैठा, मतलब आ गया जो 7 बजे, 7 बजे, 7:30, 7:30 बजे होंगे ना अभी, ना 6:30 बजेगा, वांदो नहीं साढ़े चंपा बेन, छ तमे बजे अपन जयन भाई हाँ आपको फिर बाबा ने जब भी देह त्याग किया तो आपको मौका मिला था उन्हें मिलने का अंतिम हाँ क्षण? मैं नहीं जा सका था, मालूम पड़ा था मैं यहाँ था बड़ौदा में, और बड़ौदा में ध्यान में गई थी बहन, तो उन्होंने कहा, उनको फोन आया था और उनको कहा था कि बाबा अव्यक्त हुए, तब बहुत हलचल हो गई थी और अनेक अनेकों को प्रश्न होता था, लेकिन मैं उस समय वहां पहुंच नहीं सका था, भी तो नया नया ही था ना उस समय, बहुत टाइम हमारा गया नहीं था। तो आपको आपके जीवन हाँ काल में कितनी बार बाबा को तो मिलने का फिर मौका मिला? बस एक पहली और छली बार ही मिला था, ये जो ओ हमने अभी बताया ना वही फर्स्ट टाइम और लास्ट टाइम था। इसके बाद अव्यक्त बाप दादा को बहुत मिले, प्रकाश मणि दादी के गाइडेंस में चले और आगे बढ़ते रहे। तो और आगे सुनाओ क्या करूं अभी। हाँ बोलिए हाँ बोलिए भाई पूछ। जी, आपने बाबा मतलब यज्ञ में आने के बाद सेवाएं करते हुए भी कब तक आपने अपनी मेडिकल की प्रैक्टिस की? आप मेडिकल की अभी तक प्रैक्टिस की भी? है, अभी अभी अच्छा, अभी तक? अभी थोड़े 2 साल से नहीं की है बस, बाकी अभी तक करता रहा, पाठशाला भी चलाई, सेंटर भी साथ में हम चलाए। अभी जो चंपा का साथ में कैसे अनुभव हुआ वो, और बाबा ने बाद में कैसे साक्षात्कार के द्वारा मुझे मदद की, हाँ बताइए बताइए। साक्षात्कार के द्वारा कैसे मदद की, वो ऐसा था कि बाद में हम मेडिकल ऑफिसर होने के बाद में जब गांव बारडोली डिस्ट्रिक्ट में थे हम, तो वहाँ जैसे ही शादी करके हम गए तो गांव वाले लोग तो डॉक्टरों को बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, मेरे लिए उनको बहुत रिस्पेक्ट भी थी, मैं दौड़ता भागता रहता था, कुमार जीवन जैसा ही था। तो सब लोगों ने जब शादी करके आया तो कहा कि आप आ जाओ हमारे, हम आपका फंक्शन रखेंगे और भोजन भी करेंगे। हमने कहा कि हम भोजन तो नहीं करते हैं लेकिन आपको ज्ञान भोजन कराएंगे। ऐसा करके वो लोग जब इकट्ठे हुए तो मैं और चंपा, हाँ चंपा तब साथ में थी, तो उनको मैंने कहा कि आप बाबा का ज्ञान सुनाओ। उन्होंने 7 दिन का कोर्स मैंने कराया उनको, लेकिन ये कागज पेन पर कराया, वो कैसे कराया वो भी बताएंगी। और फिर जब हम वहां गए गांव के सभी भाई बहन जो इकट्ठे हुए थे उनके पास गए, और जब हमने कहा चंपा आप सुनाओ तो सुनाया, तो उन्होंने कैसे सुनाया और फिर
कैसे सब लोगों को उसी समय साक्षात्कार भिन्न भिन्न प्रकार के होने लगे, तो ये भी बाबा की सूक्ष्म मदद थी उस समय, जो सबको साक्षात्कार होने लगे और पांव पड़ने लगे, फिर ख्याल आया कि ये बाबा की कैसे मदद है, तो वहां से ही गीता पाठशाला शुरू हो गई। वहां तब बड़ौदा में खाली सेंटर था, सूरत में भी सेंटर नहीं था, तब वहां हमारी गीता पाठशाला बड़ौदा के कनेक्शन में शुरू हो गई। बाद में तो सूरत भी सेंटर खुला, वहां भी हम जाते रहते थे। लेकिन ये जो है कैसे बाबा की सेवा वही गीता पाठशाला के आधार पर हुई, वहां भी अनेक प्रकार की बातें हुई। गांवड़े में सर्विस करते थे, हमारा फैमिली प्लानिंग का डिपार्टमेंट भी होता है। ये जयंत भाई है तो माउंट आबू से सीधा वहां कच्छ में बचाओ, अभी तो भूकंप के कारण वो प्लेस बहुत सबको समझ मतलब पता पड़ गया है, तो कच्छ में तालू का प्लेस है बचाओ। तो जयंत भाई बाबा को मधुबन से राय लेके सीधा ही वहां आए थे, और मैंने वो जो बताया तो ये बाबा करण कलावन हार है, और बाबा ने राय जो दिया था तो बाबा कभी कभी मुरली में कहते हैं कि बाबा राय देते हैं तो बाबा जिम्मेवार है, आप बाबा को पूछ के कोई भी काम करेंगे तो अगर कुछ नुकसान भी होगा तो भी बाबा उसको भरपाई करने के लिए जवाबदार है। सुना तो जयंत भाई को बाबा ने राय तो दिया, लेकिन चिट्ठी क्या लिखा ना, देखने का भी मनाही थी क्योंकि घूंघट प्रथा थी, अभी तो नहीं है, अभी तो सासु घूंघट निकालती है, बहुत जींस पहन के चलती है, ऐसा जमाना है, और उस टाइम तो गांव में नई बहू आएंगी ना, तो परंतु बाबा ने बोला कि भाई चिट्ठी लिखाओ निश्चय पत्र, क्योंकि ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा ऐसे नहीं कि पहले चलो लिख नहीं कर लो शादी फिर झगड़ा हो जाए, मतलब बाबा का तो लोगों को ऐसा होता है कि ब्रह्मचर्य के कारण दुनिया में झगड़ा भी बहुत होता है, इसलिए कई कई तो ब्रह्मा कुमारी में जाने से भी डरते हैं, नान बहुत अच्छा है लेकिन ये पवित्रता की बात के कारण लोग दूर रहते हैं कि ना ना नहीं भेजाना है। तो बाबा ने राय दिया था और वहां से सीधा आए, तो जब मेरे को मिले, ज्यादा परिचय भी नहीं था, परिचय तो क्या खाली सुना था मेरा, तो मैं तो एकदम छोटी थी, 1-2 साल की होगी तब हमारे दादाजी ने हमारा कर दिया था सगाई, जैसे भी बड़े हुए तो जैसे बताते ना माँ है बाप है ऐसे ही परिचय हुआ कि सासू है ससुर है, तो ऐसे छोटेपन में ही ये सगाई कर दिया था, वहां कर देते थे। तो बाबा ने मेरे क्या क्या किया, उस टाइम में 19 साल की थी, 18-19 साल की, तो बाबा करण करावन हार है वो कहते मैं कराता हूँ, तो उन्होंने मेरे को क्या हुआ कि मैंने मेरे माँ बाप को किसी को भी पूछा नहीं, ऐसे ही 4 अक्षर लिख दिया कि मैं आजीवन ब्रह्मचर्य पालन करूंगी, क्योंकि अगर माँ बाप को भी पूछा होगा तो वो भी कहते नहीं नहीं ऐसे लड़के के साथ शादी नहीं करनी है, और वहां हमारे यहाँ कच्छ में लड़की वालों का जोर होता है लड़के वाले से, आज भी लड़के वाले से लड़की वाले सब मांगते हैं इतना सोना इतना ये, आपको पता होगा जैसे ब्रह्मा बाबा के जो ब्रिजेंद्रा दादी थी तो उसके भाई ने ब्रह्मा बाबा को बोला था कि मेरी बहन को इतना जेवर इतना ये, तो ब्रह्मा बाबा ने सब बातों को राइट कर दिया था, तो इसीलिए कोई अगर पूछा हो का माँ बाप को क्या, जो मेरी फूफी के घर में मिला, फूफी तो मेरे एकदम वो थी बहुत बड़ी नहीं थी मेरे से, तो उनको भी नहीं बताया और बस लिख दिया, किसी को पूछा नहीं, और मतलब वो लिखवाया बाबा ने, ऐसे सोचा भी नहीं कि ये क्या होगा, ये लड़का वहां शहर में डॉक्टर बन रहा है, और ज्यादा करके आपको तो पता होगा डॉक्टर का तो वहां ही सेटिंग हो जाता है पढ़ते पढ़ते ही, तो क्या है कुछ सोचा नहीं,
और बस लिख दिया, और वो लिखा है बाबा ने, वो कलन करा बना रहा है। हम तो आज भी सोचते हैं कि कैसे लिखा, तो लिख ही नहीं देते, किसी को बताते, किसी को पूछते, वो करने नहीं देते। और फिर शादी तो जैसे गांव में होती है ऐसे ही हुई, घूंघट इतना निकाल के, उसका कोई फोटो भी नहीं है, कोई प्रूफ भी नहीं है जयंत भाई के पास कि हमारी शादी हुई ऐसा। तो फिर जब वहां आए तो जयंत भाई ने बोला क्लास क्लास तो कुछ नहीं कराया, खाली डायरी पेन में फोटो, उनके पास कोई पिक्चर नहीं था, कुछ नहीं था, खाली मुरलियां थी और ऐसे ये मिंडा मिंडा करके, ये आत्म परमात्मा है, ये ब्रह्मा विष्णु शंकर है, ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, ऐसा ही थोड़ा सुनाया था। तो मैं बोला ठीक है, भगवान की बात सुनाते हैं, कोई ब्रह्मा कुमारी का नाम भी नहीं सुना था। अभी तो आजकल तो क्या है, ब्रह्मा कुमारी का नाम सारे विश्व में मशहूर हो गया है, तो सुना भी नहीं था, इतना ज्ञान भी नहीं, 7 दिन का कोर्स भी नहीं। और जब ये सब बुलाने लगे तो उनके यहाँ बोले ज्ञान सुनाएंगे। अब ज्ञान सुनाए तो उस टाइम तो इतना भी अक्कल नहीं था कि बाबा को बोले कि बाबा आके आप सुनाओ, हिम्मत करके सुनाना शुरू किया तो एक एक घंटा में सुनाती थी, वो बाबा आके सुनाते थे। और फिर लोगों को साक्षात्कार भी होता था और बाबा ने राय भी दी, लेकिन साथ में हम लोगों को सेवा भी दे दिया कि सेवा में हम बिजी रहे। बाकी तो हम वहां से है ना, छोटा सा सरबोन गांव है, वहाँ सभी आजू बाजू बहुत सारे गांव के बीच में प्राइमरी हेल्थ सेंटर था, तो वहां रहते थे। लेकिन बाबा ने वो गीता पाठशाला शुरू करवा दिया और लोग आने लगे, ज्ञान सुनाने लगे, 7 दिन का कोर्स भी नहीं किया था। और पहली बार जब फिर तो बाबा अव्यक्त हो गए जनवरी में, बहुत लंबा टाइम नहीं, मतलब बाबा के मिलन के बाद दूसरी बार भी जाए बाबा को मिलने, तो फिर अव्यक्त बाबा हो गए। तो पहले अव्यक्त बाबा की पहली मुलाकात 21 जनवरी को, 18 को तो बाबा ने शरीर छोड़ा था, लेकिन एक साल के बाद 21 जनवरी को सभी को पार्टी को मिलने के लिए मिलन का सिलसिला शुरू हुआ। तो जब बाबा को मिले पहली बार तो हम 5 लोगों को लेकर गए पाठशाला से, सूरत में भी सेंटर नहीं था, तो मैं तो छोटी थी 19 साल की, एकदम दुबली पतली, तो जहां भी जाते थे तो मेरे को छुगी दादी थी बाबा के यज्ञ की, तो जहां भी जाते थे हमको पहले बिठाते थे और हम तो पीछे पीछे बैठने का, हम तो वो पहले पहले बिठाती थी। और छोटा हिस्ट्री हॉल है ना, इतने ही लोग थे उसमें, मधुबन में जो है वो भी आ गए और क्या बोलते हैं, जो भी बाहर से भी आए, बहुत सारे कम लोग होते थे। और खाली जो शांति स्तंभ के आजू बाजू ट्रेनिंग सेंटर है ना, इतना ही बना हुआ था, ज्यादा बना नहीं था, ये विशाल भवन ये सारा तो बाद में बना है, हमारे देखते देखते बना। तो जब बाबा को हमारी पहली अव्यक्त बाप दादा को मिले तो बाबा हिस्ट्री हॉल में मुरली सुनाते थे। और फिर बाबा का, आप सब मधुबन में गए हो तो बाबा की जो, बाबा का कमरा है वहां पर एक गद्दी है, एक तरफ बाबा का पलंग है और एक तरफ गद्दी है, तो वहां पर गुलजार दादी बैठते थे, उसी के तल में बाबा आते थे। और एकदम नजदीक से, क्योंकि बाबा का कमरा भी बहुत छोटा है, तो बीच में वो बाबा का ट्रांसलेट का फोटो है, तो कितनी जगह, एकदम बाबा के जैसे घर में बैठते हैं ना माँ बाप के पास, जैसे गोद में बैठ गए बाबा के, तो वहां बैठ के बाबा को मिले। तो पहली बार ही मिले तो बाबा ने बताया कि बच्ची तुम झाटकू हो। अब मुझे इतना पता नहीं था झाटकू क्या है, तो बाबा ने उसका बताया कि झाटकू माना जब बलि चढ़ता है तो बलि को एक एक धक से जो खत्म होता है, जरा भी आवाज नहीं निकलता है, उसको झाटकू बोला जाता है और उसको महाप्रसाद बोला जाता है। जो बलि चढ़ाते हैं थोड़ा भी चिल्लाया तो उसको महाप्रसाद नहीं कहेंगे। तो बाबा ने मुझे बताया कि तुम झाटकू हो, और फिर बताया कि बाबा आपको आपने बहुत मतलब परमात्मा को पहचाना, अभी इतना तो पहचाना नहीं था
लेकिन बाबा ने महिमा करके इतना उमंग उत्साह उत्साह बढ़ा दिया कि आपने भगवान को पहचाना और आपने इतना जो त्याग किया है तो उसका बहुत भाग्य मिलता है, और बाबा आपको सन्यासियों के पास भी भेजेंगे। तो वो भी एक दिन प्रोग्राम था, वहां पर सन्यासियों का कॉन्फ्रेंस था, उसमें हमको हाईलाइट किया था स्टेज पर बैठ के अनुभव सुनाने का। तो बहुत ही मतलब ऐसे, फिर बाबा को तो बार बार मिलते रहे, लेकिन उस टाइम इतना सिंपल था कि ना कोई फोटोग्राफ ना कुछ भी नहीं। पहले जयंत भाई को तो फोटोग्राफी का शौक था छोटेपन में, लेकिन बाबा के ज्ञान में आए तो सब छोड़ दिया, वो अनुभव हुआ ने उसमें सब, तो कोई फोटो भी नहीं है, खाली स्मृति है कि हम बाबा को बार बार मिलते थे, वो कमरे में ही मिलते थे। और जब मुरली भी चलाते थे तो संदली में यहाँ बाबा बैठे हैं, बाजू में हम बैठते हैं। फिर जब ये ओम शांति भवन बना तो बाबा को स्टेज ऊपर बाबा बैठते थे, तो हम समझते बाबा बहुत दूर हो गए हमारे से। और फिर अभी शांति वन में तो फिर बहुत दूर, 20,000-25,000 जाने को भी नहीं मिलता है, फिर भी शांति वन में भी जाने को मिला। और बाबा ने हमको सम्मान पत्रक दिया, जो भी बाल ब्रह्मचारी 8-10 युगल है इंडिया में, तो उनको बाबा ने सम्मान, तो वहां भी मतलब जाने को तो मिला, नहीं तो शांति वन में तो हम सोचे कहाँ बाबा, अभी बाबा स्टेज पर है, हम तो नीचे बैठते हैं। तो ऐसे ऐसे बाबा को भी मिले, और हमारी जो दादियां है, क्योंकि बाबा अव्यक्त हुए तो प्रकाशमणि दादी को कार्यभार संभालने को दिया, और बड़ी दीदी मनमोहिनी दीदी, आप किसी ने प्रकाशमणि दादी को देखा है, कोई ने देखा है? तो दादियों तो इतनी, हम जाते थे तो दादियां तो इतनी हमारी वो करती थी, जैसे हम गुजराती में कहते ना, कोई ना घर में सात खोटनो सुके भाई, सात खोटनो छोकरो आयु है ने बालक, सात खोटनो दीकरो, तो एटली बधी पालना। के वहां मधुबन में गए तो हम भूली जाते थे कि कोई बड़ौदा में हमारा घर है कि कोई हमारा दूसरा है। वहां गए तो जो गेट के अंदर गए तो गए, बाहर ही नहीं निकलने का, जब जाने का दिल होता था तो बाहर निकलते थे। और जब विदाई होती थी तो भी बहुत सारी दादियां थी, बहुत सारी दादियां, बहुत सारी। और ये हमारी मनमोहिनी दादी की माँ है, क्वीन मदर, रतन मोहिनी दादी की माँ, देवी माता, तो दादियों के भी सब माए माँ मतलब हमने देखा है। तो जब विदाई के टाइम क्या होता था, पांडव भवन के आंगन में सब लोग लाइन में खड़े हो जाते थे, तो सारी दादियां हैं वो, कोई तिलक लगाती थी, कोई फल देती थी, कोई गोसुन कमसुन की टोली, गोसुन की टम को पुराने को पता है, मधुबन में जाते थे तो गोसुन कमसुन की टोली लास्ट में मिलती थी, एक बादाम दो चार और मिश्री और इलायची। तो वही बादाम जैसा शिव बाबा कैसा है, बादाम जैसा शिव बाबा का आकार, और मिश्री जैसा मीठा बनो, और इलायची जैसा सुगंध फैलाओ विश्व में। तो गोसुम तो ऐसे लाइन में खड़े रहते थे, और एक गीत बजता था, भगवान तेरे घर का श्रृंगार जा रहा है। और दादियों को भेंट भेंट के, जैसे कन्या की विदाई होती है ना, तो कैसे सबको भेंट भेंट के रोते हैं, ऐसे ही भेंट भेंट के, वो विदाई में ही 2 घंटा लग जाता था, विदाई लेते तो वहां से जैसे जाने का मन ही नहीं होता था। और बड़ी दादी तो मेरे को, बड़ी दादी माना, बड़ी दादी तो प्रकाशमणि दादी को कहते हैं, लेकिन मनमोहिनी दीदी तो मेरे को बोलते मेरी सखी है, सखी है, सखी आ जाओ, सखी आ जाओ। और कभी तो कहते थे सखी आओ, खाना खाने आओ, और हमारे साथ फ्रूट खाओ, दादियां खाती थी। तो ऐसे ऐसे मैं दौड़ दौड़ के जाती थी, दादियों के लिए कुछ ना कुछ बनाती भी थी। और एक बार बाबा ने, मैं भंडारे में जा रही थी तो अव्यक्त बाबा उस टाइम आए थे, और मतलब वो उस टाइम हम सूरत में थे, तो लता बेन ने बोला चंपा बेन भंडारे में जा रही है, तो बाबा ने बोला अभी ऐसा यादगार बनाओ भंडारे में भी जाके। मतलब बाबा छोटी छोटी बातों को भी कितना महत्व देते थे कि ऐसा यादगार छोड़ के जाओ,
अभी तुम यादगार छोड़ो तो आपको फिर सतयुग में खाना बनाना नहीं पड़ेगा, बनना बनाया मिलेगा। तो क्यों, फिर बाबा ने जवाब भी दिया कि क्योंकि आप राजा बनेंगे ना, तो मैं तो खुश हूं कि मैं राजयोगी हूँ और राजा बनने वाली हूँ। सुना, तो बाबा ने ऐसा वरदान जैसे दे दिया कि फिर तो आपको बनाना नहीं पड़ेगा, कोई मेहनत नहीं करेगी। ये संगम युग की मेहनत है, और संगम युग की मेहनत भी कुछ बाबा को याद करना है, और बाबा की श्रीमत पर चलना है, वही मेहनत है। संगम युग में बाकी कोई कोई मेहनत नहीं है, खाली याद करो और सुख पाओ, याद करो और राजा ही पाओ। तो यही बात करते हुए फिर तो अनुभव कभी मिलेगा तो सुनाएंगे और भी बात। तो बाकी पुराणों को तो वैसे भी सुनाया था पहले भी, और अभी भी, मतलब वैशाली बहन को किसी को याद भी रहेगा तो किसी को नहीं भी रहेगा, जो भी होगा, लेकिन फिर कभी मिलेंगे। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति चंपा वैशाली, बेन, जयंत भाई केम ओम छो, शांति। मजा माँ मा। हाँ, जो बाबा ए केटलू मजा श्रेष्ठ, बाबा ए तमने केटलू श्रेष्ठ, मां, बाबा ए केटलू बधाना श्रेष्ठ। परिचय भी हाँ, हेमा कराओ। बेन हेमा क्या? शांति, हेमा बेन बेन छे, हेमा बेन अभी, छे। हाँ, हाँ हेमा बेन, हाँ पहला देखा है, नहीं बच्चे छे ने એટલે ख्याल ना आयो हेमा बेन छे, हमें तमने दिल थी जोया थैंक, हेमा बेन। हमें तमने दिल थी थैंक यू कहिए, तमे समय आप्यो। हूँ क्लास में कई वार ए लोगों ने कहू छू कि मारी दादी प्रकाशमणि हता ने, तो दादी प्रकाशमणि कहता था कि आ सत्य ज्ञान छे अने सत्य योग छे, अनु प्रूफ शू? तो बाबा एम के तमे घर गृहस्थ में रही અને જે તમારું પવિત્ર જીવન બનાવ્યું છે એ પ્રેક્ટિકલ પ્રૂફ છે કે અહીંયા આગળ ભગવાન પઢાવે છે, આ ભગવાનનું જ્ઞાન છે, અહીંયા આગળ ભગવાનનો હાથ છે। તો થેન્ક યુ સો મચ, તમે કિંમતી સમય આપ્યો અને અમારી છુગી દીદીને પણ યાદ કર્યા। અમારું આનંદનું કનેક્શન છે, છુગી દીદીને હું 1980 માં મળી હતી, 40 વર્ષ પહેલા, અને હિંસાબેન અચ્છા, જોડે અમારું સારી આનંદ રીતે વાસુ, સંબંધ। થેન્ક થેન્ક યુ તો યુ અમારે કહેવાનું કે તમે અમને ચાન્સ આપ્યો સંભળાવવાનો। તમે સવાર સવારે અમને આટલો સમય આપ્યો, તો તમને દિલથી થેન્ક યુ બધાના તરફથી, અને આવતા રહેજો, સ્વીકારતા રહેજો। અમારે તમે એટલા બધા બંને એટલા મીઠા પ્યારા બાબાના બચ્ચા લાગો ને કે બસ તમને બસ એમ આમ જ થાય કે આ તમને અમે જોયા રાખીએ। યુ બોથ આર સો 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 સ્વીટ, થેન્ક યુ। ઓકે। ઓમ શાંતિ। કલ શામ કો 5:30 બજે બુક રીડિંગ હોગા, બ્રહ્મા બાબા કી કહાની જો હમ પઢતે હૈ, ઓર ફિર તમે કેતા તું બોલવાનું બંધ હા હા સંભળાય છે, બોલો બોલો ઇન્ડિયા, બોલો, સંભળાય છે સંભળાય છે, બોલો। ચોક્કસ આવીશ, મને કે બાર બાર કે છે ઇન્ડિયા આવો તો મારે ઘરે આવજો, ચોક્કસ આવીશ। ઈ સાઇન આઉટ થઈ ગયા। ઓકે, સો થેન્ક યુ ફોર જોઈનિંગ, હેવ અ બ્યુટિફુલ ઇવનિંગ, ઓમ શાંતિ। તો 1 મિનિટ બાબા કી યાદ મેં સાયલેન્સ મેં બેઠતે હૈ। પંકજભાઈ તમે ક્યાંથી છો? તું ઓળખે છે એમને વૈશાલી, ઓહ અચ્છા, હું અનુભૂતિ ઓળખું છું। ઓકે અનુભૂતિ ઓકે, બધા તમને ઓમ શાંતિ વિશ કરે છે। ઓમ શાંતિ। ઓમ શાંતિ। અમાર એક એક ના પરિચય લેવા તો પરિચય તમારે હતો, તો પણ, સારો બધાનો પરિચય આપ્યો હતો, હા પણ ટાઈમ હોય તો 5 મિનિટ। ચંપા બેન આપણી પાસે છે ને 70-80 માણસ આત્માઓ હતી, એટલા બધાનો અચ્છા, પરિચય આપીએ તો આપણી તો અહીંયા રાત થઈ જાય। ના ના, આ જ્યારે તમે તમને તમે આ જતું રહે ને, પછી તમે મિનેશભાઈની સાથે અમેરિકા આવજો,
પછી બધાનો પરિચય આપીશ. આપ સૌ મધુબન આવો તો જરૂર વડોદરા આવજો. આપ સૌ સૌ જે પણ સાંભળી રહ્યા છે એને અમારું નિમંત્રણ છે, જરૂર આવજો. વૈશાલી બેન લઈને આવશે બધાને. અચ્છા તો અભી લઈને, હા અભી તક તો 50 લોગ હે, હમ લોગ સબ જાયેંગે ના બરોડા. હા જી હા જરૂર આવજો, સાથ મે તો આવો તો રહેગા, ભલે જૈસે ભી આના હે આ જાઓ બસ. हाँ सभी को देख रहे हैं, हमने देखा नीरा, हाँ सभी को देख रहे हैं, सभी आपको देख रहे हैं. तुमने बारडोली तुमने सर्विस किया ना, तो मैं बारडोली का ही हूँ. बारडोली का बारडोली के हैं ये भाई जो. हाँ बारडोली में हम काफी समय रहे थे, वराड़ी और बारडोली सेवा की. तो अच्छा है, मैं बारडोली का ही. अच्छा अशोक भाई बोल रहे हैं ना? हाँ अशोक भाई बोल रहे हैं. अशोक भाई बोल बारडोली तालुका में गांव में गांव गांव जाइने हमें लोगों ए प्रोजेक्टर संभालता था. તે વખતે ટીવી નતું, તે આખું ગામ ભેગું થઈ જતું હતું પ્રોજેક્ટર માં બાબાની સ્લાઇડ. એ પ્રોજેક્ટર બી અત્યારના જેવું નતું, આમ સ્લાઇડ આમ કરવાની ને આમ કરવાની, હાથેથી કરવાની, પણ આખું ગામ ભેગું થઈ જતું. કેમ કે ત્યારે પિક્ચર હતા નહીં ગામડામાં અને ટીવી પણ નતા, તો સરપંચ ને ઘરે સાંજે બપોર પછી જઈએ ને પછી ત્યાં રાતના પ્રોગ્રામ કરીને આવીએ. કઈ સાલમાં બારડોલી માં આવતા? કઈ સાલમાં બારડોલી માં આવતા? 69 થી 73 સુધી. તો હું સયાજીગંજ માં એમએસ યુનિવર્સિટી માં જ ભણેલી. એમએસ યુનિવર્સિટી માં જ્યોતિ જ્યોતિ જયંતભાઈ આખા અમેરિકા થી જોડાયા છે, ફક્ત કેલિફોર્નિયા વાળા નથી, કેનેડા વાળા છે અને આખા અમેરિકાના અલગ અલગ કેનેડા વાળા. ગીતાબેન કેનેડા થી છે, પછી ગણાય તો પછી સેક્રામેન્ટો થી છે, ટેક્સાસ થી છે, નોર્થ કેરોલિના થી છે, પછી આર્કન્સાસ થી છે, પછી હવે કોઈના નામ ભૂલી ગયો તો બોલે, ટેક્સાસ, હ્યુસ્ટન, હ્યુસ્ટન ટેક્સાસ થી પણ છે. એટલે બધાને નીરાબેન તો સદા હસતા રહેતા દેખાતા હતા, બધા બહુ મોજી લીધી. એ વાત સાચી. હા જયંતભાઈ તમારી મેમરી તો બાકી એકદમ જોરદાર છે, એ તો હું માની જાઉં, તમારી મેમરી તો હજુ બી જોરદાર છે. એ તો ચંપાની છે, ચંપાની. સંગીતાબેન પણ હતા. ચાલો મેં ગુજરાતી ગીત સંભળાવી દઉં. અરે વાહ શું વાત છે. જો ચંપાબેન હવે જે લોકોને ઘાય છે, જે લોકોને સુઈ જવું છે, જે લોકોને જમવું છે, જેના છોકરા રડે છે, એ લોકો બધા ગયા. આ લોકો વાંધો નથી, એ લોકો બધાને કોઈ વાંધો નથી, કોઈ નથી રડતું. નાનો એક ડુંગર ની નીચે ગામ વસેલું છે. આમ તો ગીત તો બનાવેલું છે, મારું બનાવેલું નથી, પણ હું તમને સંભળાવું છું. આ ભલે ભલે
ઓક્ટોબર આવજમાં વાસરે ડુંગરની પાસરે ઓ મારે ગામડે રે એકવાર આવજો આવાસરે ડુંગરની પાસરે ઓ મારે ગામડે રે કુવાને કાંઠે પર નિહાળી રે તે વખતે તો કુવામાં પાણી ભરતા હવે લંડમાં આવે છે કુવાને કાંઠે પર નિહાળી રે બેડે ભરે પાણી રે બેડે ભરે પાણી રે તરસ્યાને નીર મીઠા પાય રે ઓરે ગામડે રે આપકો ર આયા અભી બોલો આપ અભી મેં આવજો ને મારે વડોદરા શેર મારે આવે છે વિશ્વમિત્ર બનજો રે મારે વિશ્વમિત્ર ભાઈઓ બહેનો રે जैन भाई, जैन भाई, चंपा मैन, आप सच में लक्ष्मी नारायण ही होंगे पहले। अब भी मुझे लक्ष्मी नारायण ही लग रहे हैं। जैन भाई आप बहुत 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 लकी हो, यू आर बॉर्न लकी। કઈ વાંધો નહીં, હવે નેક્સ્ટ ટાઈમ જયંત ભાઈ આપણે અંતાક્ષરી બ્રહ્મા માટે તમને બોલાવશું ગુજરાતીમાં, હને? બરાબર, ગુજરાતી ની અંતર તમારું મ્યુટ થઈ ગયું છે ચંપાબેન, મ્યુટ થઈ ગયું, અનમ્યુટ કરો, સ્પીકર ઓન કરો, અચ્છા ર પર બોલવાનું, માનવ કઈને બાચારી જે થાય તે ચાલે, અમારા તરફ થી તમારા માંથી બોલો, અમે તો બે એકલા છીએ, તમે દુનિયા બનાને વાળે ક્યાં તેરે મન મેં સમાતી કાહે કો દુનિયા બનાય, હવે હું તમારા જમાનાના ગીત ગાઉં ને, મેરા દિલ તારે આસમાન મેં એક મગર બોલીએ તો
ગીતાબેન ને બહુ આવડે છે ગીતો. ગીતાબેન ને બહુ ગીતો આવડે. ગીતો બધાને બહુ આવડે છે, પણ અમે કન્ફ્યુઝ છીએ કે હવે એવા ગીતો ગવાય કે નહીં. હા ગીતાબેન, નેક્સ્ટ ટાઈમ પ્રિપેર હો કે આ જાય. કૌશલ્યબેન થોડા થોડા સમજતા હેના? અચ્છા લગ રહે. ચલો અભી આપ हम वापस बुलाएंगे उनको चंपा बहन को, और हम खूब अंताक्षरी खेलेंगे. ठीक है जयंत भाई, तमे पैकेज डील छो के नहीं? चंपा बहन के એટલે તમે આવી જ ગયા. हाँ તમે પેકેજ ડીલ છો, એકલા ના આવે. આજે એમની વાતો સાંભળીને કાંતિભાઈ એટલું બધું મલકાતા મલકાતા હસ્યા છે કે ના પૂછો ની વાત. જ્યોતિભાઈ તમે પણ 10 વર્ષ પછી એવા લાગશો. ક્યા હુઆ થા કે વો હમારે વક્ત મે 2020 કે અંદર લોકડાઉન હો ગયા થા. બોલે એટલે આઈ જા. ભાઈ પાંડોલી તાલુકા ના તાલુકા વિકાસ અધિકારી હતા, તો એમને મેં સૌથી પેલા કોર્સ કરાવ્યો હતો બાબા નો. મેં તો કર્યો નતો, પણ કરાયો હતો. 5 મિનિટ માં કોર્સ પૂરો થઈ જતો હતો. તે વખતે બહુ આવડતું નહીં, 5 મિનિટ માં તો કોર્સ પૂરો થઈ જાય. ભાઈ ચાલ યુગ છે, ચાલે યુગ 1250 વર્ષ ના ને 5000 વર્ષ નું ચક્ર. ચલો આગળ. બોલો બોલો આવી રીતે અભી આપ બતાવો, મેં નેક્સ્ટ ટાઈમ એસે કોર્સ કરાવું ને. અમારે તો વૈશાલી બેન કેટલો સરસ લાંબો કોર્સ કરાવે કે અમારે પેસી જાય. વૈશાલી બેન લાંબો કરાવે અને સિરાની જેમ ગળા નીચે ઉતરી જાય, સમજાવે ને બધું પેસી જાય બધું અંદર. ચલો બહુ મજા આવી, બહુ મજા આવી. એવું લાગ્યું કે અમે અમે આપણા ઘર વાળા બધા બેસીને આપણે મજા કરતા હોય ગામડાના ચોક. એવું જ લાગે છે, બધા શાંતિ થી બેઠા છે ને બધા. અચ્છા જયંતભાઈ ફોટો કાઢે છે. હા જયંતભાઈ ફરીથી ગાય છે, સંભળાવે છે. હા ફોટો મેં પાડું છું ને બાકી તમે સાંભળો બધાને. ચલો રાત કી એક્સરસાઇઝ કરો. આપણે કઈ કરવું પડશે ને આમાં. Thank you.